हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके ही चैनल टेक्निकल सोमनाथ पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो कमाल का ऑफर्स के बारे में बताऊंगा, जिसके तहत आपको अच्छा खासा कैशबैक मिलेगा, रिचार्ज भी मिलेगा। तो क्या ऑफर है, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिल सके। पहला ऑफर आ रहा है पेटीएम की तरफ से। चलिए हम यहाँ से पेटीएम ओपन कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा, अभी तो यूपीआई का मौसम चल रहा है, हर प्लेटफॉर्म में यूपीआई के नया नया ऑफर्स निकाल के आ रहे हैं। तो जैसे आप कैशबैक सेशन पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, न्यू ऑफर और माई ऑफर। न्यू ऑफर में नया ऑफर शो होता है और जिस ऑफर को आप एक्टिवेट करते हो वो आपका माई ऑफर सेक्शन पर दिखाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से न्यू ऑफर सेक्शन को देख लेते हो यहाँ पर क्या ऑफर्स आए नया। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो एक जो ऑफर्स है यहाँ पर 20 पे 10 यूपीआई ऑफर। ऑफर उतना अच्छा नहीं है, मैं यहाँ से इस ऑफर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही ऑफर एक्टिवेट करूँगा यहाँ पे देखिए फास्ट पे यूपीआई पेमेंट करने के लिए बता रहा है और इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, 100 रुपये या उससे अधिक आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। 20 बार के लिए 10 रुपये, यानी एक ही बंदे को आप 20 बार पैसा भेज सकते हो। ओके, और इसके तहत आपको 10 रुपये कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक आपका पेटीएम में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑफ़र का वैलिडिटी 15 तारीख तक है इस महीने का। ठीक है, तो आप प्लीज़ आपके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेटीएम के वाई सी अकाउंट है, थोड़ा बहुत लूट भी सकते हो, उतना खास नहीं है। 7 पे 11 जो ऑफ़र था सबका प्यारा अभी तक तो अभी जा चुका है। ठीक है, कोई किसी किसी को मिल रहा है। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप चाहे तो इस ऑफ़र को अपील कर सकते हो और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पेटीएम की तरफ से जो ऑफ़र आ रहे हैं, ऑफिशियल ऑफ़र है, आप प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए। और एक और अपडेट आपके लिए है, आप इससे पहले आप देखे होंगे कि आप अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं पेटीएम में तो आपको एक दिन में 1 घंटे में 5 और 1 दिन में 20 ट्रांजेक्शन को ही देते हैं। लेकिन जैसे कि पेटीएम ने बताया, हालांकि ऑफिशियली पेटीएम ने बताया लेकिन वर्क नहीं कर रहे, पेटीएम ने बताया कि आप 1 घंटे में 20 कर सकते हैं और 1 दिन में अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम मैंने ऑब्जर्व किया है, 1 दिन में आप कर सकते हो 20 से ज़्यादा तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, 30 कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे में 20 नहीं हो रहे। 1 घंटे में हार्डली 8 या 9 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर छोटा रकम को होगा तो 8 या 9 ही होगा, उसके ज़्यादा होगा तो फिर 4-5 में ही अटक जा रहे हैं। ठीक है, तो यूपीआई का प्रॉब्लम अभी भी है क्योंकि सारा कस्टमर यूज़ कर रहे हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये ऑफ़र बस यही है। ठीक है, तो आप चाहे तो कम्प्लीट कर सकते हो और इस ऑफ़र के तहत आप टोटल 300 रुपये तक कमा सकते हो। इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, अगर कोई प्लेटफॉर्म से कोई ऑफ़र नहीं आ रहा तो ये ऑफ़र तो बढ़िया ही है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, सभी को बताओ कि फ्लिपकार्ट ने नया रिचार्ज का पॉलिसी लॉन्च किया है, कि उन्होंने अमेजोन पे की तरह उसका जो वॉलेट लॉन्च किया और एक रिचार्ज का ऑप्शन दिया है। तो एक ऑफ़र आ रहा है आपको 25 रुपये का कैशबैक मिलेगा फर्स्ट रिचार्ज में। तो क्या ऑफ़र है, चलिए हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ आप प्लीज़ फ्लिपकार्ट को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लीजिए। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन पर आप जैसे ही अपडेट करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट जिस अकाउंट से आपका लॉगिन है उस अकाउंट से फ़ोन पे लॉगिन होना चाहिए। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कौन सा नंबर आपका फ़ोन पे में दिया हुआ है, उसी नंबर से आपको पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली रिचार्ज सेक्शन पर जाना पड़ेगा। रिचार्ज सेक्शन पर जैसे जाएंगे इस तरह का कुछ ऑफर का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए शो है 25 रुपये तक का फर्स्ट मोबाइल रिचार्ज में कैशबैक मिल रहा है, 100% कैशबैक। तो प्लीज़ आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा रिचार्ज नाउ पे। आप रिचार्ज नाउ पे जैसे ही क्लिक कर देंगे इसका जो पेज ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ मैंने तो यहाँ से लिंक करके रखा है, लेकिन आप अगर लिंक नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। अपना फ़ोन पे नंबर को सही से सुन लीजिए, फ़ोन पे नंबर को यहाँ पे मैनुअली देखिए आ जाएगा। जैसे आपका सेम नंबर पर रजिस्टर तो आ जाएगा, उसको ओके करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी देकर आपको कन्फर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं कैसे नंबर लिख देता हूँ। ओके, देखिए मैंने नंबर यहाँ पर डाल दिया और अमाउंट सेक्शन पे आपको 25 रुपये से ज़्यादा, 25 रुपये अगर कोई प्लान नहीं है, अगर वोडाफोन का नंबर है तो 25 रुपये में कुछ बैलेंस मिलते हैं। अगर दूसरा नंबर है जैसे एयरटेल का है तो 25 रुपये डालेंगे तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा 125 MB के आसपास। तो मत कीजिए, आप चाहे तो 20 रुपये कर सकते हैं। मेरा वोडाफोन का मैं 25 ही चूज़ करता हूँ, उसके बाद पॉजिटिव पे क्लिक कीजिए। वॉलेट में अगर बैलेंस है तो वॉलेट से कट जाएगा, वॉलेट में अगर नहीं है तो आपको दूसरे से पेमेंट करना पड़ेगा जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इससे। ठीक है, तो जैसे ही ओके कर देंगे तो कुछ प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद देखिए यहाँ पे सो सीधी सीधी दिख जाए आपके 25 रुपये अपील
कैशबैक। आप अगर फ़ोनपे का UPI ट्रांजेक्शन करे होंगे तो आपको अकाउंट पे बैलेंस होता है, तो उस बैलेंस से आप बस 25 रुपये दीजिए और फ्री में 25 रुपये तक का रिचार्ज लीजिए। यानी आपके पास फ़ोनपे से कुछ नहीं लिया जाएगा, जो लिया जाएगा आपको 25 रुपये संग संग मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बदले में आपको 25 रुपये का रिचार्ज मिल जाएगा। ऑफ़र काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, ये सभी यूज़र के लिए है, फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है, मल्टीपल फ़ोनपे अकाउंट है, तो आप इस ऑफर को भी लूट सकते हो, ठीक है। तो बस यही है, वीडियो के बारे में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।